एम कुक विथरी यूट्यूब चैनल के साथ आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़े की डिश लेके आई हूँ। वैसे तो आप लोगों ने बकरीद पे बहुत सारी डिशेस इंजॉय की होंगी, लेकिन ये यूट्यूब पे पहली दफ़ा मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ ये डिश। तो ये मेरी फ्रेंड्स की बताई हुई डिश है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का। ये बनता है बीफ रोस्ट। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने करना क्या है, एक मैंने बर्तन लिया है, या आप मिट्टी की हांडी ले लें या इस तरह का कोई बर्तन ले लें। ये एक किलो से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास गोश्त है, हड्डी वाला है, चांपे हैं और कुछ इसमें गोल बोटियाँ भी हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक किलो है तो दो किलो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आप प्रेशर में बनाने को तो गलाने को गला सकते हैं, बट प्रेशर में वो टेस्ट और वो जायका रोस्ट का नहीं आएगा। 2 लीटर मैंने पानी डाला है, इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक सॉल्ट ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा लेवर्ड, आप समझ लें कि 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा। और इसमें हमने कुछ ऐड नहीं करना, इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तब तक के लिए पकाना है जब तक कि हमारी ये चांपे या गोश्त जो है हमारा टेंडर नहीं हो जाता। ये इसको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अगर हमारा गोश्त गल चुका तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको थोड़ा टाइम और देंगे। तो इसको आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही बनाना है। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूअर्स, हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया, तो मटन हमारा जो है कुछ टेंडर हो गया है, लेकिन अभी इसमें कसर है। जब तक ये हमारा पूरा पानी जो है ये खुश होगा, उस वक्त तक इंशाल्लाह ताला हमारा जो बीफ है कंप्लीट गल चुका होगा। उसके बाद हम अगले स्टेप में आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल डिसॉल्व हो चुका है। इसी पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, ये बिल्कुल वही पानी जो मैंने आपके सामने डाला था। ये बस अब मैंने जस्ट इसका जो पैन है उससे निकाल के मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर जो मज़ीद इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो मैं आपके सामने डालती हूँ, आप नोट डाउन करते रहें। 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसमें जाएगा ये जाएगा। 1 कुटा धनिया 1 टेबल स्पून ये जाएगा। अब यकीन जाने ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी, फ्लेवरफुल होगी। आपने इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक आप देखना है। 6 टेबल स्पून इसके अंदर दही, जिसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ जीरा डालना है। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि दही का पानी और जो बाकी पानी है वो कंप्लीट खुश्क हो। और इसके साथ 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर ये डालनी, या आप 1 बड़े साइज का लेमन जूस जो है उसको भी डाल सकते हैं। इसके साथ 2 चम्मच हमने बटर के डाल देने हैं। आप बटर की जगह प्योर घी भी ले सकती हैं, कुकिंग ऑयल भी ले सकती हैं, बट जो फ्लेवर इसमें बटर का आएगा वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब हमने जस्ट इसकी बुनाई करनी है बहुत आराम से, प्यार से, कि हमारी बोटी भी टूटे ना। बहुत अच्छे से गल चुकी है, इसको भूनते हैं और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा नमकीन रोस्ट कह लें, नमकीन गोश्त कह लें, इसको बहुत ही मज़े का बहुत ही लजीज बना है। और जो बटर था वो उसने अपना ऑयल जो है बटर का वो छोड़ दिया। अब हम इसको करते हैं डिश आउट
और मिलते हैं डिशॉट करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, हमारी फाइनली जो मटन रोस्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज बना है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है और इसको ट्राई करना है। कुक विद वरी चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। मेरी वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लाइक करें, शेयर करें। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपनी फ्रेंड्स का, इमराना जी बहुत शुक्रिया, आपकी रेसिपी आज हमने ट्राई की है। अगर आप लोग भी अपनी कोई रेसिपी हमसे ट्राई करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।